फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कैबेज कोफ्ता करी। ये कोफ्ता करी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है, और जैसे ही आप खाएंगे मुंह में घुल जाने वाली ही रेसिपी है। और ये बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसको डिनर में, लंच में कभी भी बना के खा सकते हैं, और ये बड़ों छोटों सभी को पसंद आती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैंने बनाया है कैबेज कोफ्ता करी। लौकी कोफ्ता तो बहुत खाया होगा, लेकिन एक बार आप ये कोफ्ता, कैबेज कोफ्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ। कोफ्ता करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है यहाँ पे कैबेज। कैबेज को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको मैं दिखाती हूँ, इस तरह से आपको बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेना। यहाँ अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है और हरी मिर्च मैंने यहाँ चॉप करके, अजवाइन लिया है मैंने, यहाँ पे हल्दी और जीरा, और ये मैंने लिया है थोड़ा गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार, और लिया है बेसन, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिया है और हींग, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सूजी लिया है। सो इससे क्या होता है कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये हम एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हम जो कैबेज हमने ग्रेट करके लिया है वो डाल देंगे, बाकी जो सारे सामग्री है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और इसके अंदर हम मिलाएंगे थोड़े चॉप किए हुए ओनियन। इससे क्या होता है कि कोफ्ते का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप ओनियन डाल के बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनेगा आपका कोफ्ता और मुलायम भी होगा। तो यहाँ पे मैं जितनी भी बारीक सामग्री मैंने लिया था एक एक करके मैं सब मिला लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने जो थोड़ा सूजी लिया था वो मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, और बाकी जो बेसन लिया है ये डाल देती हूँ। तो इसके बाद आपकी क्वांटिटी जितनी हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं कम ज़्यादा। और यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे हाथों की हेल्प से, क्योंकि स्पून से इतना अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा कम है तो थोड़ा सा बेसन और आप डाल सकते हैं, और हींग मैंने डाल दिया है क्योंकि पकोड़े हैं तो हींग तो बनता है डालना, क्योंकि हींग से भी बहुत अच्छा रहता है। तो थोड़ा बेसन मैंने और लिया है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने वो ले लिया है। अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, और ये थोड़ा जब हम मिलाने लगेंगे तो इसमें जो है थोड़ा पानी छोड़ेगा ये। तो अभी ये बैटर अच्छे से बन गया है, और एक बार मुट्ठी बना के मैंने देख लिया है। और अब मैं कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है मैंने, अब मैं इसके अंदर कोफ्ते डाल दूँगी, और इस तरह से बना लेने हमें कोफ्ते। तो आप देख सकते हैं, और इसको हमें बहुत फुल आँच पर नहीं करना है और लो मीडियम फ्लेम पे करना है। तो यहाँ हम धीरे धीरे इसको सेक लेंगे और कोफ्ते रेडी कर लेंगे इस तरह से। और आप पहले चाहे तो एक अंदाज़ नहीं हो तो एक कोफ्ता डाल के पहले देख लें, अगर कोफ्ता सही लग रहा है, अगर फैल नहीं रहा है तो आप और बाकी कोफ्ते डाल दीजिए, अगर फैलता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है एक बाउल में कोफ्तों को, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में कोफ्ता करी के लिए मैं मसाले बना लेती हूँ उसका पेस्ट। तो यहाँ पे टोमेटो, ओनियन और मैंने गार्लिक, चिली और जिंजर का पेस्ट बनाऊंगी। उससे क्या होता है कि हमारी करी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल में कोफ्ते का टेस्ट अलग ही आता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, जीरा डाला है और हींग डाला है, हींग बेसन है तो हींग डालना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है तो मसाले जले नहीं इसके लिए। अब मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डालूंगी और रेड चिली पाउडर। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं चला लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं डालूंगी उस पानी थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पे, और उससे क्या होता है कि मसाले अच्छे से भुन जाते हैं और तेल छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, मसाला अच्छे से भुन गया और तेल छोड़ दिया। इससे क्या होता है कि हमारे सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आता है।
तो उसके बाद यहाँ पे मैं अब अच्छे से पका लूँगी मसालों को, और फिर जो मैंने पेस्ट बना के रेडी किया है वो पेस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये पेस्ट रेडी कर लिया था मैंने, अब मैं इसको डाल देती हूँ पेस्ट को। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट को ऐड कर दिया है। पेस्ट ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे से मिला लेना है, और इसे तब तक भूनना है जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से भून नहीं जाए और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए, तब तक हमें भूनना है इसको। और यहाँ पे आप मसाले को अच्छे से भूनिएगा ताकि जो प्याज का कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। तो हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा जार में लगा हुआ था उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके और उसको डाल दिया है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं मिलाऊंगी 2 चम्मच दही। दही से क्या होता है कि बहुत अच्छा उसका टेस्ट हो जाता है कोफ्ते का, जो एक मीठापन होता है उससे क्या होता है कि दही से अलग सा टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी लगता है। और दही मिलाने के बाद हमें उसे अच्छे से कंटिन्यूस हिलाते रहना है जब तक कि अच्छे से दही मिक्स नहीं हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं आप अच्छे से भून लिया है और मसाला अब थोड़ा तेल भी छोड़ने लगा है, तो अच्छे से भून जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे पानी गरम कर लेंगे पहले से। तो हमें गरम पानी ही ऐड करना चाहिए ग्रेवी के लिए, तो उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी से भी हमारी ग्रेवी हो जाती है और सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो अभी हमारा ये मसाला भून रहा है, फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस मसाले को भुनने को हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे गर्म पानी ऐड कर रहे हैं, और गर्म पानी डालने के बाद फिर हमें इसको अच्छे से उबाल लाना है। जब ये अच्छे से उबलने लगेगा तब उसके बाद हम जो कोफ्ते बनाए हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं इसको थोड़ा हिला लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर कोफ्ते डालूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैंने यहाँ पे कोफ्ते डाल दिए हैं। इसको यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मैं इसको करूँगी, उसके बाद गैस बंद कर दूँगी और फिर हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैबेज कोफ्ता करी को सर्व कर लिया है। आप इसे रोटी के साथ, पूरी, पराठा, राइस, डिनर में कभी भी बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी ये कैबेज कोफ्ता की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलती हूं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें और स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।